कहानी ये मेरी जुबानी सुन लो तुम। टिंग टिंग टिंग, एक लड़की करती शरारत हर दम। छी हुई, देखो देखो मस्ती जो हो शुरू। दोस्ती जो वो कर ले करेगी ना, दोस्ती में एरी करना ना देरी तुम। चिंग चिंग चिंग, चमत्कार को गले लगा लो तुम। छी हुई, देखो करना ना इनकार, अब दोस्ती का होगा इकरार होगा ना। चिंपुई चिंपुई झूमेंगे नाचेंगे, चिंपुई 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 हल्ला गुल्ला करेंगे, चिंपुई मौका देख के मारेंगे चौका, करेंगे धमाल मेरी या आ आ आ। चिंपुई चिंपुई तेरी मेरी खूब जमेगी, चिंपुई 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 दोस्ती ना टूटेगी, चिंपुई शुरू होने जा रहा है। चिंपुई, ये कौन सा गोला है? गोला नहीं, ये पृथ्वी है। वुफ। अच्छा, रुको रुको रुको, जल्दी चलाओ, नहीं मैं टकरा जाऊंगा। नहीं चलाता तो भी तुम टकरा जाते। वो कौन है ये लड़की? अरे यही तो है एरी, आम के खेत में बेरी, हमारे राजकुमार की खुशियों की ढेरी। अच्छा, वैसे ही कितनी प्यारी है ना? है तो बहुत प्यारी, लेकिन इसे है गुस्से की बीमारी। अच्छा, मम्मी मैं आ गई। हमें इसे ही तो यहाँ से ले जाना है, करके कुछ हेरा फेरी। ठीक है, मैं खेलने जा रही हूँ। एरी, आते ही खेलने कहाँ चली? होमवर्क कौन करेगा? पर मैं अभी तो स्कूल से आई हूँ। अच्छा, पहले होमवर्क खत्म कर लो फिर खेलने जाना। बाद में कर लूंगी, अब मैं खेलने जा रही हूँ। रुको, तो कहाँ जा रही हो? मुझे बाहर जाना है, तुम्हें ही घर को संभालना है। हाँ, क्या तुम बड़ी हो गई हो ना? और हाँ बेटा, तुम्हें घर के छोटे मोटे थोड़े काम भी करने हैं। लिस्ट लिख कर रखी है, सब्जी वगैरह लानी है, सूखी कपड़ों को लाकर ठीक से रखने हैं, और बाथटब में पानी भरना है, बस इतना ही बेटा। जैसा आप कहें कैप्टन मम्मी। मेरी प्यारी बेटी, इस तरह से मुंह बनाना बंद करो और मेरे कहे काम करना शुरू करो, वरना आज से तुम्हारा टीवी देखना बंद, वीडियो खेलना बंद और खेलना कूदना भी। अरे मेरी राजधानी एक्सप्रेस मम्मी, मैं समझ गई, आप जाइए। अच्छा, बोल रही हूँ, घर पे अकेले बोर हो रही हूँ, खेलने चले आओ। मैं सो रहा हूँ। जब देखो तब सोता रहता है। कब आएगी मम्मी, मुझे खेलने जाना है। ये क्या, ये लड़की तो बहुत आलसी है। आलसी है तो क्या हुआ, हमें है इसे यहाँ से ले जाना और लिखा पढ़ा कर इसे राजकुमार की दोस्ती के लायक है बनाना। कौन है, कौन है यहाँ? लगता है दिन में सपने देख रही हूँ। हम आ गए, तो तुम्हें लेकर ही जाएंगे, तुम्हें लिखाएंगे पढ़ाएंगे और कहोगी तो नचाएंगे, चाहे जितनी भी जिद कर लो, हम तो तुम्हें लेकर ही जाएंगे। क्या बकबक कर रहे हो? मैं क्या हम भूखी खाएंगे? कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? ये सब क्या कर रखा है? मम्मी ने देखा तो मेरा भरता बना देगी। बात बिल्कुल नहीं जमी, यहाँ पर भी बीच में आ गई मम्मी। इस चीज को वेंडर यू और मेरे साथी को चिंपुई कहते हैं। पृथ्वी पर नहीं, हम दूसरे ग्रह पर रहते हैं। जैसे ही हमारे राजकुमार के दिल में दोस्ती का ख्याल आया, उन्हें आपका चेहरा बहुत भाया, उन्होंने आदेश दिया और मैं आपको लेने चला आया। मुझे लेने आए हो? हम यहाँ आए हैं आपको लेकर जाने के लिए। समझ नहीं आ रहा, अपने ग्रह पर। बस अब इजाजत दीजिए, मैंने झुका दिया है सर। मेरी प्यारी एरी, ये है हमारे ग्रह की उड़न फेरी। लगता है मैं कुछ ज्यादा ही सपने देखने लगी हूँ, मुझे फौरन उठना होगा। उठो एरी, उठो। मुझे सपने में दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि ये सपना नहीं है। अरे बस करो, मत करो धमाल, छोड़ दो उस प्यारी सी गुड़िया के।
सुनिए राजकुमारी जी, हम हैं लाचार, अगर आप नहीं आई तो हमारा डल जाएगा आचार। और मैं खटाई से बहुत डरता हूँ, इसीलिए विनती करता हूँ अब मान भी जाइए और हमें राजकुमार के गुस्से से बचाइए। हमारा ग्रह बहुत ही खूबसूरत है और हमारे राजकुमार को आपकी जरूरत है। क्या सच में? हाँ सच में, वो तो आपसे दोस्ती करने के लिए बेकरार है। लेकिन मैं वहाँ अपनी मर्जी से आऊंगी। हाँ हाँ ठीक है, तुम अपनी मर्जी से आना। अब तुम क्या सोच रहे हो? यही सोच रहा हूँ कि इसे हम कैसे ले जाएंगे, और अगर ना ले गए तो राजकुमार गुस्सा हो जाएंगे। जब तक ये ना मान जाए तुम यहीं पर रुकना, अगर नाचने को कहे तो तुम जीभ भर के ठुमकना। तुम्हें इन पर अपना जादू चलाना है, किसी भी तरह इन्हें अपने ग्रह पर लाने के लिए मनाना है। देर हो रही है, अब मुझे जाना है। उम्मीद करता हूँ गुड़िया तुम मान जाओगी और हंसी खिलखिलाती हमारे ग्रह पर आओगी। हो मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, ये कोई सपना तो नहीं है ना? तुम बार बार एक ही बात क्यों बोलते हो, कुछ और नहीं आता है क्या? तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो। तुम भी कोई हूर परी नहीं हो। मेरा मजाक उड़ाते हो? ये दीदी भड़क गई, दीदी भड़क गई, दीदी भड़क गई। मेरा मजाक उड़ाते हो? रुको रुको, भागती कहाँ, रुको। देखो मेरा कमाल। तुम क्या जमीन आसमान के बीच में लटक के योगा कर रही हो? डरो मत, तुम मेरी दोस्त हो, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ, मेरे मुँह से कभी झूठ नहीं निकलता, कानून की कसम मैं हमेशा सच कहता हूँ। मैं इतना बोरिंग हूँ कि तुम उठ के चली गई। अच्छा तुम होमवर्क कर रही हो? जब मैं स्कूल जाता था ना तो अपना होमवर्क स्कूल में ही कर लेता था, लेकिन तुम घर पे कर रही हो। हाँ शायद तुम मेरी तरह समझदार और होशियार स्टूडेंट नहीं हो ना, इसीलिए। बंद करो अपनी बकवास, मेरा सिर दुखने लगा है, बेकार की बातें करके मेरा दिमाग खराब किया। तो मैं क्या करूँ, तुम्हें खुद नहीं जानती। अगर तुम्हें खुद को नहीं पता तो किसको पता है, तुम्हारे पड़ोसी को? लेकिन एक बात कहूँ, मैं तुम्हारा होमवर्क करने में बहुत काम आ सकता हूँ। मेरी मदद करोगे? वैसे तुम मेरे किस काम आ सकते हो? बहुत काम आ सकता हूँ, तुम्हारे मम्मी ने जो भी काम दिया ना वो मैं सब कर सकता हूँ। झाड़ू कर सकता हूँ, पोछा कर सकता हूँ, तुम्हारा होमवर्क भी करूँगा। होमवर्क भी करेंगे। घर पर कोई है क्या? आती हूँ। मेरा पीछा करना बंद करो और वहीं बैठे रहो। क्या ये लड़की है या आफत की पुड़िया? क्या काम है अंकल? नमस्ते, मैं एक सेल्समैन हूँ और मैं एक मजेदार चीज बेचने के लिए आया हूँ। देखिए अंकल, ना तो मेरी मम्मी घर पे है और ना ही मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं कुछ खरीद सकती हूँ। फिक्र मत करो, पैसों की कोई जल्दी नहीं है, पहले आराम से चीज देख लो। अंकल जब लेना ही नहीं है तो इसे देखूं क्यों? ये आसान तरीके वाला पढ़ने का टेप रिकॉर्डर है। हाँ हाँ मैं जानती हूँ, टीवी में इसका एड देखा था। तुम्हें क्लास में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और नहीं होमवर्क। आइडिया तो काफी अच्छा लग रहा है। अच्छा नहीं है, बढ़िया है। इसके वजह से तुम्हारा दिमाग और तेज हो जाएगा, तुम क्लास में फर्स्ट नंबर आओगी। सिर्फ इसको प्ले करके एक बार सुनना है, सब दिमाग में बैठ जाएगा। सच में मेरा दिमाग और तेज चलने लगेगा। तुम तो वैसे ही अकलमंद हो, इससे और भी अकलमंद हो जाओगी। ये वाला छठी क्लास की स्टूडेंट के लिए है। क्या ये बात है, मैं तो छठी क्लास में ही पढ़ती हूँ। तो फिर जल्दी खरीद लो। इसके लिए तुम्हें एक छोटा सा काम करना है, सिर्फ यहाँ साइन करना है। ठीक है, बाय बाय। देखा मैंने कैसा दिमाग चलाया है, इससे मुझे बिना स्कूल जाए और बिना पढ़े लिखे 100 मार्क्स मिल सकते हैं। अब पढ़ने के लिए समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, ऑडियो सुनना है, किताब पढ़ना है, फर्स्ट रैंक लाना है। चलो देखते हैं इसमें क्या है। बस टेप रिकॉर्डर चलाना है और जो भी पढ़ाई तुम्हें पढ़नी है उसे टेप रिकॉर्डर पे सुनना है। ठीक है अब प्ले करती हूँ। गुड मॉर्निंग। ऐसा लगता है ये किताब किसी रद्दी वाले के पास से आई है। कैसे हैं आप? मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई, मेरा नाम एंजल है। मैं बेवकूफ बन गई। मामूली बेवकूफ नहीं बना, टीका लगा के चुना लगाया। तुमने जो साइन किया ना उसे वो तुम्हारी मम्मी के अकाउंट से सारे पैसे निकाल सकता है। वो कोई मामूली इंसान नहीं है, वो बहुत बड़ा ठग है। उल्लू बनाकर पैसे लेकर गया। शायद उस तरफ गया हो। मुंह सवाल के मेरे साथ बात करो। मुझे उल्लू बनाकर गानों के कैसेट्स देकर गए। मैंने तुम्हें उल्लू नहीं बनाया, तुम खुद उल्लू बन गई हो। क्या
तुम्हारे इस छोटी सी साइन की मदद से मैं तुम्हारी मम्मी का अकाउंट खाली कर दूंगा। मम्मी मुझे डांटेगी। रो मत, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। आज के बाद मैं तुमसे जो भी कहूंगा तुम मान लोगी और कोई भी सवाल नहीं करोगी, ठीक है? कैसा लगा आइडिया? अपना आइडिया अपने पास रखो। चिंपुई, ये मैंने क्या कर दिया? मम्मी को ये बात पता चल गई तो वो मेरी पिटाई करेगी। वो हमेशा कहती थी कि अनजान लोगों से दूर रहो, पर मैंने उनकी बात नहीं सुनी। ये क्या बेवकूफी कर दी तुमने? मैं इसकी सजा तुम्हें जरूर दूंगी एरी। आज के बाद मम्मी से कुछ भी नहीं मांग सकती क्योंकि वो मुझे देंगे ही नहीं। मैं सोच भी नहीं सकती मैंने कितनी बड़ी गलती की है। पुई-पुई, चिपुई। मिल गया। शराफत से उस लड़की के पास जाकर उससे माफी मांगो वरना मैं तुम्हारी टोपी निकाल के तुम्हें टकला कर दूंगा। बेटी रुको, बेटी बेटी रुको, बेटी बेटी रुको। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, मैंने तुम्हें धोखा दिया। वो साइन किया हुआ पेपर मैं भर कर फेंक दूंगा। बच गई। ये सब्जियां कौन लाया? कपड़े भी ठीक से रख दिए हैं, पानी भी भर दिया है। घर के सारे काम तुमने किए हैं? मैंने तुमसे मदद नहीं मांगी। तुमने मदद नहीं मांगी तो क्या हुआ? मैंने दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी ना। तुम मुझे अपना दोस्त नहीं मानती तो क्या हुआ? मैं तो तुम्हें अपना दोस्त मानता हूँ ना, और मेरे होते हुए तुम्हें कोई मुसीबत नहीं आ सकती, ये मेरा वादा है। ठीक है, आज से हम दोनों पक्के दोस्त हैं। सच्ची मुच्ची। बहुत मजा आएगा। अभी हम दोनों दोस्त हैं। आओ दोस्तों के साथ मस्ती करते हैं। चिंपुई, क्या कहा? दूसरे ग्रह से दो लोग आए थे? हाँ, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। चिंपुई ने सब कुछ किया है, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है ना? बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा। हाँ, मुझे भी नहीं हो रहा था। सोचा कि कोई सपना देख रही हूँ, पर वो सपना नहीं था। सच कह रही हो? देखने में वो बहुत छोटा है और तरह तरह के जादू भी करता है। वो जो चाहता है मैं वो नहीं कर सकती, फिर भी चिंपू ने कहा कि हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। उसकी वजह से मेरे सारे काम आसान भी हो गए हैं, और सिर्फ यही नहीं, हम दोनों साथ में बहुत मजे भी करते हैं। हे, ये उची की है ना? यानी चिंपू ही तुम्हें बहुत पसंद है? बहुत नहीं, बहुत बहुत ज्यादा पसंद है। मुझे जो भी चाहिए होता है तुरंत ला देता है। हे उची की, तुम हमारे साथ खेलने के बजाय यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे घर जाकर होमवर्क करना है। मुझसे जबान लड़ा रहे हो? तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूँ? तुम जैसे डब्बू खिलाड़ी के साथ खेल कर ही तो हम महान खिलाड़ी बनेंगे ना? नहीं, लेकिन अब तुम दोनों कभी नहीं सुधरोगे। जब देखो तब एक दूसरे के साथ लड़ते रहते हो। तुम क्यों बीच में आ रही हो? मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, तुम अपने काम से मतलब रखो, समझी? मैं तुमसे नहीं डरने वाली, समझे? क्या कहा? रुक जाओ। मैं घर जाकर होमवर्क पूरा करके पक्का खेलने आऊंगा, लेकिन मेरी वजह से तुम लोग झगड़ा मत करो प्लीज। ये हुई ना अच्छे बच्चे वाली बात, जल्दी आना वरना सजा के लिए तैयार रहना। लगता है एक दिन इस मोटू को सबक सिखाना ही पड़ेगा। तुम बेकार में उसे देखकर इतना डरा मत करो उचिकी। मैं डर कह रहा था, मैं तो बस मुसीबत को टाल रहा था। ठीक है ठीक है, मैं आगे चलती हूँ। एरी घर पर है? हाँ है। कौन है? ओ उची की, तुम अंदर आओ। अच्छा, तुम्हारी पढ़ाई वगैरह कैसी चल रही है बेटा? मैं आ गई। आओ उची। देख नहीं रही हो, मैं उससे बात कर रही हूँ और तुम? आओ, मेरा दोस्त चिंपुई अंदर ही है। मैं उसे देखने के लिए कब से तड़प रहा हूँ। वो तो कहीं नजर नहीं आ रहा। मम्मी को पता चल गया तो मुसीबत हो जाएगी, इसीलिए छुपा कर रखा है। कहाँ रखा है तुम खुद ही ढूंढ लो। यहाँ तो नहीं है। कहीं छत पर तो नहीं रखा ना उसे? नहीं नहीं, छत पर नहीं रखा है। वहाँ तो बहुत गर्मी होगी ना, इसलिए टाड़ पर रखा है। एरी, टाड़ पे क्या रखा है? उसे क्या बात कर रही हो तुम? वो मैंने मुझे बताए बिना क्या छुपा कर रखा है? कहीं रास्ते से बिल्ली उठा कर तो नहीं लाई हो ना? लगता है मुझे ही चेक करना पड़ेगा। नहीं मम्मी, नहीं, ऊपर कुछ नहीं है मम्मी।
अगर ऊपर कुछ मिला ना तो तुम्हारी तो खैर नहीं। कुछ भी नहीं है मम्मी, मैं सच बोल रही हूँ। अरे ऊपर तो कुछ नहीं मिला मुझे। आप तो मेरी बात कभी सुनते ही नहीं है। ऐसा नहीं है, मुझे खाना बनाना है। चिंपोई मम्मी चली गई, बाहर आ जाओ। चिंपोई अभी तक तो यही था, पता नहीं कहाँ चला गया। शायद तुम्हें उसकी बातों पर यकीन नहीं है इसलिए वो अपने ग्रह वापस चला गया हो। ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात है, शायद उसे तुम्हारी किसी बात का बुरा लग गया होगा। अच्छा मैं जाकर खेलता हूँ वरना वो लोग चिल्लाएंगे। ठीक है बाय। चिंपुई और मैं तो अच्छे दोस्त थे, फिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, समझ नहीं आ रहा। समझ नहीं आता कि वो आया क्यों और फिर गया क्यों। तो तुम यहाँ हो, तुम बोर ना हो जाओ इसलिए मैंने घर के थोड़े काम तुम्हारे लिए रखे हैं। ये सब काम मुझे करना है क्या? ठीक है घर के काम नहीं करने हैं तो कोई बात नहीं, जाओ बाहर जाकर बगीचे को ठीक तरह से साफ करो। दिन रात खेलना कूदना काम तो करना ही नहीं है। ठीक है। ओफो, ऐसे समय पे चिंपुई यहाँ होता तो कितना अच्छा होता। मैं आ गया। चिंपुई तुम कहाँ चले गए थे? मैं कहीं नहीं गया था, तुम मुझे अंदर अकेले छोड़ के चली गई थी ना, इसीलिए मुझे डर लग रहा था तो मैं खुली हवा खाने बाहर चला गया था। मैंने बाहर आके देखा तुम्हें अपने कमरे में, तुम तो किसी के साथ बातें कर रही थी इसीलिए मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। मैं तुम्हें अपने दोस्त से मिला नहीं पाई, मुझे कितना बुरा लगा पता है। क्या कह रही हो? चलो मैं तुम्हें अभी उससे मिलवाती हूँ। पर मम्मी ने तो मुझे बगीचा साफ करने के लिए कहा था, मुझे बगीचा साफ करना है। शुक्रिया चिंपुई। कहाँ जा रही हो, फिर से खेलने जा रही हो? मैंने तुम्हें बगीचा साफ करने। ओह इसने तो बढ़िया सफाई की है। उचकी कैश पकड़ना। पकड़ो। हाँ पकड़ता हूँ पकड़ता हूँ। कहाँ चली गई? क्या कर रहे हो? उचकी तुम्हें पता है चिंपुई मुझे छोड़कर कहीं नहीं गया था। क्या सच में? हाँ वो वहीं पर था। लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? उचकी गप्पे लड़ाना बंद करो और जल्दी यहाँ आओ, समझे? आता हूँ। सुनो तुम जाओ, मैं खेलने के बाद आऊँगा। आज तो इसे ऐसा मजा चखाऊंगा कि अपना नाम भी भूल जाएगा। ये लो। जाओ जल्दी जाओ, जल्दी बॉल लेकर आओ, जल्दी करो। इस तरह अकेले क्यों बैठी हो? चिंपुई तुम आ गए। तुम उदास लग रही हो, कोई प्रॉब्लम है? उचकी को वो मोटू और उसके दोस्त मिलकर बहुत परेशान कर रहे हैं। बस इतनी सी बात है, लगता है बारिश करनी पड़ेगी। बारिश चिंपुई। उचकी हाँपना बंद करो, अभी गेम खत्म नहीं हुआ है, बॉल लेके आओ। ये अचानक बिन बादल बारिश कहाँ से हो गई? ये क्या? अरे अब यहाँ से। उचकी यकीन नहीं हो रहा है ना, ये सब हमारा काम है, चिंपुई ने ही ये सब किया है। क्या ये वही चिंपुई है जिसके बारे में तुम मुझे बता रही थी? यकीन नहीं हो रहा है। पूरा यकीन है, पूरा यकीन है। पता है मुझे बड़े होकर एस्ट्रोनॉट बनाया ताकि मैं दूसरे ग्रह पर जा सकूं, पर अब तो दूसरे ग्रह के लोग ही आ रहे हैं। देख लिया ना? रुको अब मैं तुम्हें उड़ाकर दिखाता हूँ। उड़ाकर दिखाओ चिंपुई। मैं उड़ रहा हूँ। इस तरह के तो बहुत से जादू चिंपुई के पास है। तुमसे बात किसने की? तुमने ही तो कहा था ना मैं कितने भी जादू करके दिखाऊं लेकिन तुम्हें तो मुझ पे यकीन ही नहीं है। बस फिर से शुरू हो गए, उस बारे में बात करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो ठीक है, कुछ और बात करते हैं। अच्छा ये बताओ, ये ऊंची ऊंची इमारतें पहले जमीन पर लिटा कर बनाते हैं फिर खड़ी करते हैं? नहीं चिंपुई तुम कमाल के हो। बहुत धीरे बात कर रहे हो, मुझे धीरे से बात करना पसंद नहीं, थोड़ा जोर से बोलो ना। तुम ये क्या कहना चाहते हो? अच्छा जानबूझ के अनजान बन रही हो। पर सब लोग ऐसे ही उड़ते हैं क्या? हाँ। चिंपुई तुम्हारा ग्रह कैसा है? बहुत सुंदर होगा ना? हमारा ग्रह बहुत अच्छा है और हमारे राजकुमार इससे दोस्ती करना चाहते हैं और ये हमारे साथ चलेगी। तुम्हारे साथ चलेगी? नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ऐसे ही बकता रहता है। अच्छा ये सब छोड़ो और ये बताओ कि चिंपुई को छुपा कर हम रखेंगे कहाँ? छुपा के क्यों रखना है, इससे लोगों के बीच जादू करवा कर हम बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं, रातों रात अमीर हो जाएंगे। बोलो क्या कहती हो, है ना अच्छा आइडिया? हाँ सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन बात ये है कि ये क्या बात कर रहे हो, भीड़ इकट्ठा करके मुझसे शो करवाओगे और खुद पैसे कमाओगे, बच्चे की जान लोगे क्या?
आंटी को इसके बारे में पता है? लेकिन क्या किया जाए? कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना, कितने दिन इसे ऐसे ही रखोगी? घर में सबसे मिलजुल कर रहेगा तो किसी को शक भी नहीं होगा कि ये दूसरे ग्रह से आया है। समझ गई। इतनी दूर से ये हमारे घर पर आया है तो हमें इसकी देखभाल तो करनी चाहिए ना। मम्मी से कुछ भी मांगती हूँ तो वो मना ही कर देती है। अगर मैं कहूँगी दिन तो वो कहती है रात। मेरी बात तो वो मानती ही नहीं है। अब तुम ही बताओ कि मैं इसे अपने साथ रखूँ कैसे। मेरे पास एक आइडिया है। सुनो सुनो सुनो, जब मम्मी का है इसे कहाँ से लेके आई? हाँ? तो कहते ना कि तुम लाला। अरे वाह, खिलौना तो तुम्हारी तरह बहुत ही प्यारा है। क्यों मम्मी, ये खिलौना अच्छा है ना? हाँ बेटा, बहुत ही अच्छा है। ये तुम्हें उचिकी ने दिया है ना? नमस्ते मम्मी जी, मेरा नाम है चिंपुई। नमस्ते, ये तो बोल रहा है, शायद रिकॉर्ड करके बोलने वाला खिलौना होगा, बहुत ही अच्छा है। आप भी बहुत अच्छी हैं। शुक्रिया शुक्रिया, बाहर जाकर खेलो तुम। ये खिलौना तो सारी बातें समझ लेता है। ठीक है तो मैं चलता हूँ, अब से तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया उची की। ओके बाय बाय। बाय बाय टाटा। उची की कितना अच्छा लड़का है ना? हाँ अच्छा लड़का तो होगा ही, आखिर दोस्त किसका है, मेरा ना। ओ, तुम जो समझ रहे हो ये वो नहीं है। इसका मतलब तुम्हें भूख लगी है। चलो दोनों मिलकर कुछ खाते हैं। ये धरती पे मेरा पहला खाना। पर ये मुझे क्या खिलाएगी? पेट भर के खाओ। इसे खा के खाओ या पी के पियूं? इतना अच्छा खाना तो मैंने अपने दोस्त के बर्थडे में खाया था। मैं घर आ गया। वाह लगता है कुछ अच्छा बना है। अरे मुझे छोड़कर तुम लोगों ने अकेले। डाइनिंग टेबल पर क्या बैठा हुआ है? मुझे डर लग रहा है, डाइनिंग टेबल पर कोई जानवर बैठा है। अरे वो जानवर नहीं है, एरी का खिलौना। क्या कहा खिलौना? वो तो नूडल्स भी बड़े मजे से खा रहा है। वो उसे खाना खिलाने जैसा कोई खेल खेल रही होगी। आप भी ना, वो खिलौना बोलता भी है चलता भी है, और अब से एरी हमें परेशान नहीं करेगी, उस खिलौने के साथ खेलती रहेगी हमेशा। मजा आ गया। चिंपुई। दूर गगन से धरती पे कोई आया, आके देखो कितना रंग जमाया, बन गया वो देखो सबका प्यारा है। पंछी जैसे उड़ते हवा में हम, खेल खेल में मौज मनाते हम, गाते हैं नाचते हैं हर पल हर पल हर पल। जादू उसने तो निराले, जी लेता है वो हर दिल, मस्ती में झूमे खेले नाचे प्यार से। कहीं छुपे तो कभी मिले, साथ रहे वो हर दम, नन्ना मुन्ना साथी मेरा ये देखा है ना।